अरे मुझे क्यों तोड़ा मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं अरे नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ-साथ बेल आइकन भी दबाओ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल एक ऐतिहासिक दिन रहा जिसने भी फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में मैच देखा वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा उधर केरला के कन्नूर में पुलिस वालों पर ही हमला हो गया जब पुलिस वालों ने फुटबॉल फैंस को ट्रैफिक रोकने से मना किया तब पुलिस वालों की ही पिटाई हो गई रस्ते पर घसीट घसीट के उन्हें मारा गया ऐसी तो कट्टर यूरोपियन फुटबॉल फैंस करते हैं इंडिया में यह वायरस कहां से पैदा हो गया केरला में ही अनुराग नामक एक युवक को पांच लोगों ने मिलकर चाकू भोग दिया ये तब हुआ जब वो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में मैच देखकर वापस आ रहे थे उसी बीच में ही गहमा गहमी हो गई थी कोलकाता में रात में लोग सड़कों पर उतर आए अर्जेंटीना का जीत का जश्न मनाया और देश भर में लोगों ने अपने सारे कामकाज छोड़कर वर्ल्ड कप फाइनल देखा उतनी ही उत्साह से जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा हो बताइए इतना पैशन मारपीट भी हो रही है सेलिब्रेशन भी हो रही है एक देश के लिए जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है जिसका वास्ता आपसे दूर दूर तक नहीं है सिवाय एक चीज के फुटबॉल इंडिया क्रिकेट की दुनिया में ग्लोबल डोमिनेटर है इस पर कोई डिबेट नहीं है दूसरे स्पोर्ट्स पर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं ओलंपिक्स में देख लीजिए हमारी मेडल टैली बढ़ रही है लेकिन एक स्पोर्ट है जहां हमारा देश एज मैटर फैक्ट पूरा का पूरा साउथ एशिया कभी भी ग्लोबल स्टेज पर खेल तक नहीं पाया है भाई फुटबॉल में ऐसा क्या है जहां हम फेल हो जाते हैं और क्या इंडिया समेत दूसरे साउथ एशियन नेशन फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी में खेल पाएंगे या फिर हमारी फुटबॉल की डेस्टिनी ही खराब है चलो पता लगाते हैं अगर फुटबॉल में रुचि की बात करें तो 1980 से ही के डिएगो ने देश भर में जादू मचा के रखा था आप भले ही 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल को बेस्ट एवर मान ले। लेकिन ऐसे भी फैंस हैं जो 1986 के वर्ल्ड कप की कस्मे वादे खाते हैं और मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब इंटरनेट दूर तो की बात है घरों में टीवी सेट्स तक नहीं आए थे उसके बावजूद रेडियो कमेंट्री और प्रिंट के माध्यम से मैराडोना देश में एक मेगा आइकॉन बन चुके थे लेकिन इतनी रुचि होने के बावजूद एक बिलियन से ज्यादा आबादी वाला भारत कभी भी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तक नहीं कर पाया कभी भी उन 32 देशों में शामिल नहीं हो पाया जो हर चार साल फुटबॉल के सबसे बड़े प्रतियोगिता में भाग लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप क्या इसलिए क्योंकि हमारा क्रिकेट प्रेम दूसरे स्पोर्ट्स के लिए कातिलाना बन चुका है या हमें वो हमें वो बिल्ड वो वो स्टैमिना नहीं है कि हम नब्बे मिनट तक एक बॉल के पीछे भागे वैसे बस ट्रेन नौकरी छोकरी के पीछे तो हम इतना भागते हैं तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट में और जहां तक बात आती है जूतम लात करने में हम बहुत अच्छे हैं <laughs> अरे रस्ते पर अरे गाड़ी पर खरोच आ जाए फिर देखो अंदर का मैराडोना अंदर का पेले बाहर निकल आता है फिर एक दूसरे को हम पेल पेल के मारते हैं हमारी और साउथ एशिया की असफलता के पीछे कारण बहुत हो सकते हैं लेकिन हाइट बिल्ड स्टेमिना तो नहीं हो सकती है और ना ही एग्रेशन क्योंकि फाइव फीट सेवन इंच का अगर मेसी ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर में शामिल हो सकता है तो हम कम से कम फुटबॉल खेल तो सकते हैं फीफा के लिए क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहां है क्या हमारी टीम वर्क में कमी है इसीलिए हम बैटिंग और बॉलिंग तो हम अच्छा कर लेते हैं लेकिन गोल के सामने गोल होते होते बॉल किसी और को पास करवा दो किसी और को मैं बॉल दे दू समस्या है ये मैं वाली समस्या हमारे देश में जरूर है आइए इस पर थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं देखिए जहां नेतागण आ जाते हैं वहां मैं मेरा ईगो मेरी पनौती वो साथ में ही चलती है ठीक वैसा ही हुआ है हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर शायद इंडिया में फुटबॉल का दर्जा कहीं और होता अगर हम कभी वर्ल्ड कप में पार्ट लेते और ऐसा हो सकता था आजादी के तुरंत बाद 1950 में ऐसा मौका हमारे देश को मिला हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए ऑटोमेटिकली क्योंकि दूसरे टीम्स ने विड्रॉ कर लिया था लेकिन हमारी महान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए उस टाइम पर एक टीम तक नहीं भेज पाई एक सुनहरा मौका हमने गवा दिया नेहरू की गलती नेता टाइप लोग लेकिन उस समय से लेकर आज भी वही काम कर रहे हैं हमारी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है वो दशकों से अपनी नाकामियों में एकदम कंसिस्टेंट रही है चाहे वो नेहरू का टाइम हो या अब का टाइम हो जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीसीसीआई के तरह एआईएफएफ को भी ठीक करने की कोशिश की और फेडरेशन की बागदौर अपने हाथ में ले ली तब फीफा ने ए को सस्पेंड कर दिया यानी भारत में कोई इंटरनेशनल मैच ना भारत खेल सकता है और ना कोई इंटरनेशनल मैच भारत में हो सकता है सस्पेंशन की वजह यह थी कि फीफा को यह लगा कि कोई थर्ड पार्टी इंडियन फुटबॉल को चला रहा है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो लेकिन इससे उनको आपत्ति थी अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है इस पर हमने पूरा एपिसोड के रखा था तो वो जरूर देख लीजिएगा देखिए फाइनली सस्पेंशन को रिवोक तो किया गया लेकिन हमारी फुटबॉल का जो बट्टा है वो अभी भी बैठा हुआ है इंडियन फुटबॉल की हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान श्रीलंका या कभी कभी अफगानिस्तान को भी हराने में हमारी हालत टाइट हो जाती है तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है वहां देश ग्यारह फुटबॉलर क्यों नहीं पैदा कर सकती है लेकिन अगर आप मैच में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन और फुटबॉल या क्वालिटी ऑफ फुटबॉलर्स की कोई रिलेशनशिप नहीं है चाइना जो सालों से दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड नेशन रहा है सिर्फ एक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंची है टू में और पहली फुर्सत में वो वर्ल्ड कप से आउट हो गई तीनों मैचेस हारे और एक गोल भी ना वो स्कोर कर पाए मैंने बड़ी ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुई थी फिर देखिए कुछ और देश जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी पाकिस्तान 227 मिलियन की आबादी बांग्लादेश 167 मिलियन की आबादी इथोपिया 117 मिलियन की पॉपुलेशन फिलीपींस 112 मिलियन ये दुनिया के कुछ ज्यादा ही पॉपुलेटेड देश हैं जो कभी भी वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पाए उधर सबसे छोटे देश जिन्होंने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है आइसलैंड तीन लाख से ज्यादा बस की पॉपुलेशन है पैराग्वे एक मिलियन की आबादी थ्री एंड टुबेगो वन पॉइंट थ्री मिलियन नॉर्दन आइलैंड फोर मिलियन कोलियन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर आप मैं बताऊं आपको तो हमारी राजधानी दिल्ली में 30 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं तो इतने छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है अब ऐसा नहीं है कि हमेशा यूरोप और साउथ अफ्रीका का ही वर्चस्व फुटबॉल में बना रहेगा एशिया का भी टाइम आएगा तो जरूर अब वो कब आएगा यह सवाल है अब देखिए इस वर्ल्ड कप में भी ईरान ने यूरोपियन एंड साउथ अमेरिकन ऑपोजिशन को हराया जापान ने जर्मनी को हराया सोच सकते हैं और भूल मत जाइए वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया ने वन टू से इसी वर्ल्ड कप में हराया था ठीक है ठीक है इमिग्रेशन लेकिन इमिग्रेशन के बिना कॉलोनियल पास्ट के बिना अरे फ्रांस भी फाइनल तक ना पहुंच पाता लेकिन यह भी सच है कि आज तक यह सब इमिग्रेशन विमिग्रेशन लेने के बाद भी यूरोप और साउथ अमेरिका के बाहर किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं इतिहास में वर्ल्ड कप के इतिहास में केवल दो बार ऐसा हुआ है कि सेमीफाइनल तक सेमीफाइनल तक भी यूरोप और साउथ अमेरिका से बाहर कोई देश क्वालिफाई कर पाया हो तो देख लीजिए कितना ज्यादा मुश्किल है यह पॉपुलेशन और फुटबॉल का तो कोई नाता नहीं है यह बात हम साबित कर चुके हैं या आंकड़े साफ बोलते हैं लेकिन अगर फीफा वर्ल्ड कप अपने देश में होस्ट करवाना हो तो पैसे का उसमें रोल आ सकता है उसके बारे में हमने एक बहुत लंबा चौड़ा एपिसोड बना के रखा है कि वर्ल्ड कप कतार में कैसे हुआ पैसे का उसमें क्या रोल था उसे देख लीजिएगा लेकिन क्या पैसे से फुटबॉलर बनते हैं अच्छे अगर आप 32 फीफा प्लेइंग नेशंस की औसतन एवरेज इनकम आंकोगे तो आपको एवरेज इनकम मिलेगा 31,000 डॉलर पर पर्सन थर्टी वन तो है कि कहीं ना कहीं अमीर देश जहां एवरेज इनकम ज्यादा है वो फुटबॉल में सक्सेसफुल ज्यादा है अगर आप अफ्रीकन देशों को भी देखोगे जहां वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टीम्स है वहां भी एवरेज इनकम अफ्रीका के एवरेज इनकम से ज्यादा है 3,500 डॉलर्स। इन कंपैरिजन इंडिया की एवरेज इनकम होती है 2,200 डॉलर्स। देखिए फुटबॉल के लिए क्रिकेट से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना, उसमें आपको ट्रेनिंग की बात कर लीजिए फील्ड की बात कर लीजिए ग्रास की बात कर लीजिए शूज की बात कर लीजिए और जैसे जैसे देश की आर्थिक हालत सुधरती है लोगों के पास थोड़ा पैसा आता है फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स पर लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ती है ये यूनिवर्सल रूल नहीं है ऐसे साउथ अमेरिकन कुछ देश हैं जो बिना पैसे भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन पर कैपिटा इनकम और देश की इकोनॉमी जब बढ़ती है जब तरक्की करती है तो क्लब कल्चर बढ़ता है रीजनल लेवल पर टैलेंट डिस्कवरी होती है और प्लेयर्स को हर कंडीशन में हर ऑपोजिशन के साथ प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलता है इंडिया का एग्जाम्पल ले लो आईपीएल के चलते कितना ज्यादा नया टैलेंट मिला है कोई डर्थ नहीं है कोई कमी नहीं है नए टैलेंट की और इसी के साथ साथ हम एक क्रिकेटिंग नेशन बन गए हैं क्रिकेटिंग सुपर पावर बन गए हैं और क्रिकेट एक बढ़िया प्रोफेशन भी है अगर आप आप नेशनल टीम पर भी नहीं नहीं खेलते हो भूखे इंडिया में फुटबॉल क्लब्स तो दशकों से हैं मोहन बगान का नाम किसने नहीं सुना है लेकिन उन्हें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है जैसे कि फुटबॉल लीग चैंपियनशिप से किया जा रहा है जो कि मॉडल्ड है इंडियन प्रीमियर लीग के फॉर्मेट के ऊपर ही हा बहुत सालों से एशियंस को फुटबॉल क्लब्स में एंट्री नहीं मिली है सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेसिस्ट एंगल है उस थियोरी के चलते उस सोच के चलते कि एशियन बॉडी फुटबॉल के लिए बनी नहीं है एशियंस को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट आता ही नहीं है इसीलिए